लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें कई तरीके की भ्रामक चीजें देखने और सुनने को मिल रही है। टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता बौखला गए हैं और इस एग्जिट पोल के नतीजे को पूरी तरह से गलत और निराधार बता रहे हैं। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश एग्जिट पोल कितना सही कितना गलत, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और बात करेंगे लोकसभा 2024 के जो नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर कि जो एग्जिट पोल में जो चुनावी नतीजे बताए जा रहे हैं वो कितने सही है और कितने गलत है। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीति विश्लेषक और पत्रकार प्रभाकर कुणबतपुनवार जी और वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत तो कुणबतपुनवार जी, मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि जो एग्जिट पोल में टीवी चैनलों पर जो नतीजे बताए जा रहे हैं, क्या लगता है इसका विश्लेषण कितना सही और कितना गलत? मैं इसके ऊपर यकीन नहीं रखूंगा जब तक, क्योंकि एग्जिट पोल है जी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि किसी सेंटर में जाके कोई बंदा खड़ा हो जाता है और लोगों से पूछता है कि भाई आपको, आपने किसको वोट दिया जी। लेकिन वो अकेले आदमी का वोट हो सकता है, वो पूरे एंटायर वो पोलिंग स्टेशन का वोट नहीं बनता वो जी। और ना ही इस देश के 90 करोड़ लोगों का वोटिंग होता है वो जी। हमने कई बार देखा है, मैं दिल्ली में था, दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट था लोकमत का, उसमें भी मैंने देखा है। हमारे जब उस जमाने में चुनाव के पहले पोल दिए जाते थे जी, रिजल्ट आने के पहले भी दिए जाते थे जी। तो चुनाव के वक्त जो दिए जाते थे कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है कौन सी पार्टी, हमारे साथ एक वाकया ऐसा हुआ। मेरे तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बीट था, यानी उसकी पूरी खबरें मैं कवर करता था जी। और उस वक्त लोकमत में, सॉरी अभी उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस अखबार में खबरें छप के आती थी कि बिहार में मधेपुरा में लालू प्रसाद आगे हैं जी, लेकिन शरद यादव भी चुन के आने की संभावना है जी। भाई मधेपुरा में दो ही उम्मीदवार, लालू प्रसाद और शरद यादव जी, अगर ये सामने तो चुन के कैसे आएंगे जी। सही। तो ये रिपोर्ट ये छपे जाते थे। फिर मुझे कई बार लोगों ने पूछा भी, डीएन द्विवेदी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव थे जी, और वो खुद पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे, इंडिया के कानूनविद थे, उन्होंने मुझे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूछा, प्रभाकर जी जरा बताइए तो हमें कि आप यह रिपोर्ट कैसे छाप रहे हो जी, सोर्स क्या है जी। मैं सबका, मेरे पास कोई आंसर नहीं था जी, लेकिन जब मैंने मालूमात की तो पता चला कि ऐसे रिपोर्ट तैयार करने वाले कुछ फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाले कुछ गैंग्स जी दिल्ली में सक्रिय हो जाते हैं जी। हमारे तरफ जो रिपोर्ट आता था वो कोई दो तीन बंदे बैठते थे एक सीमेंट के गोडाउन में जी, वह रिपोर्ट तैयार करते थे और हमारी तरफ भेजते थे कि एग्जिट पोल का रिपोर्ट है जी, ये फैक्ट है। अच्छा जी, तो क्या आपका ये कहना है कि ये पूरी तरह से जो एग्जिट पोल के जो नतीजे बताए जा रहे हैं, ये इसके ऊपर हम यकीन बिल्कुल नहीं रख सकते, बिल्कुल यकीन नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि ऐसा है कि गए चुनाव में भी आपने देखा है कि बोले कि इतने इतने गिरेंगे इतने इतने आएंगे, उल्टा पुल्टा हो गया जी, किसी को कोई आइडिया नहीं रहती जी। 2000 साल में छत्तीसगढ़ की निर्मिति हो गई, चुनाव हो गया जी, हमारे वाजपेयी साहब पीएम थे, सब लोगों ने कहा कि बीजेपी आ जाएगी जी, बीजेपी आई नहीं जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, अजीत जोगी साहब पीएम सीएम बने पहले, ये भी इतिहास है। इसका मतलब जो एग्जिट पोल के लिए जो सर्वे करते हैं तो सर्वे का मापदंड क्या होता है जी, ये कोई बताते ही नहीं कि क्या मापदंड है, आपने कैसे सिलेक्ट किया। अगर सिलेक्ट कर कोई टारगेटेड ऑडियंस आपने या टारगेटेड वोटर आपने चुना है जी, टारगेट अगर वोटर चुनते हैं तो वो कौन से स्टेटस से आता है वो भी देखना पड़ेगा जी। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी छाप देते हैं। मेरा एक तजुर्बा बताता हूँ मैं आपको कि मैं 1999 में बेल्लारी गया था जी, जहाँ पर सुषमा स्वराज वर्सेस सोनिया गांधी हिस्टोरिकल चुनाव भिड़ंत हुई थी जी।
मैं 8 दिन था तो एक दिन सोनिया के ताफे में था, तो दूसरे दिन सुषमा के ताफे में था जी। और 3 सितंबर को चुनाव होना था, तो उसके पहले 1 तारीख को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हमारे अरुण शौरी साहब जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे, जिन्होंने बोफोर्स काम कांड लाया था जी, गुब्बारा फोड़ा था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बोले कि जेंटलमैन, हैव यू सीन टुडेज इंडियन एक्सप्रेस। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं पढ़ चुका था, लिखा था उसमें 8 लाइन का बैनर लाइन था, सोनिया इज गोइंग टू लूज, सुषमा विल बी इलेक्टेड। सोनिया हार रही है, सुषमा आ रही है जी। अब इंडियन एक्सप्रेस जैसा बेंगलोर एडिशन छाप रहा है जी। मुझे अचरज हुआ, तो वही बात शौरी जी ने बोला जी। मैंने शौरी जी को इंटरप्ट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मिस्टर शौरी, आप हमसे बुजुर्ग, यू आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड आई रिस्पेक्ट यू, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आप हमें यह बताओगे, अंग्रेजी में बातचीत, क्या आप हमें यह बताओगे कि यह रिपोर्ट जी जो छापा गया है, इसका सर्वे कब हुआ जी? मेरे 15 दिन पहले हुआ, 15 दिन पहले हुआ। अगर 15 दिन पहले किया गया सर्वे का रिपोर्ट, आज सच कैसा होगा जी? ये तो चुनाव है, डे टू डे बदलते रहता है जी। What is the authenticity of this report which is published by Indian Express? जब मैंने पूछा तो इधर उधर देखने लगे जी। ये सवाल को हमको ये नहीं था जी कि कोई पूछेगा हमको आके जी। मतलब सब बताइए तो हमें जरा, क्या है ये जी? ये जुमला हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है, इट इज गिमिक्स, पॉलिटिकल गिमिक्स जी। बिल्कुल कुंभतुनवार जी, मैं आपको यहीं पर ही रोकना चाहूँगा। पांडे जी, आपको क्या लगता है कि धरातल में जो सर्वे होना चाहिए उसके आधार पर ही ओपिनियन पोल नहीं आते? ऐसा कई बार हुआ है कि एग्जिट पोल हुए लेकिन वो सही नहीं हुए, गलत भी साबित हुए कई बार जी। तो जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल सही निकले जी। मैं तो समझता हूँ कि ये जो 3-4 दिन का पीरियड मिलता है जी, तो जनता को कुछ देखने के लिए मसाला मिले, इसलिए तो नहीं डालते हो जी, ऐसा भी लग सकता है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आज की यदि हम राजनीति की बात करें, और आपके समय आपने कई चुनाव का कवरेज किया है, कई पार्टियां देखी, कई सरकारें देखी है, आप इतने सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हो, किस तरीके से आज जो पिछले 10 साल है वो और उसके पहले के जो साल है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? ये 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो जन सामान्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी, वो मुद्दे पूरी तरह से मुद्दों को लेकर सरकार भटकी हुई रही है जी। हो सकता है कि भटकी हुई रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जानबूझ के भी किया जा रहा हो। जनता इतनी परेशान है, 10 साल पहले जो 450 रुपये में सिलेंडर आता था वो आज 1150 रुपये में है, लेकिन कोई चिल्लाने को तैयार नहीं है। वरना उस समय कई मंत्री ऐसा था कि वो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा महंगा ही है 450 रुपये में सिलेंडर। किसी सरकार के समर्थन में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता जो है। तो अब जनता आंदोलन करने के लिए उतरी क्यों नहीं इन 10 वर्षों के अंदर में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। अब क्यों नहीं उतरी, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो चुकी है, समय किसी के पास है नहीं जी। और सबसे ज्यादा मेहनत का जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, उनके साथ कौन उतरेगा? वो अगर एक दिन के लिए भी आंदोलन के लिए चले जाते हैं तो उनको 450-450 जो भी उनको रोजी मिलती है वो मिलती नहीं, उसके बाद में घर के अंदर में उनके 2 जून की रोटी का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जी। और इसी टाइप से देखा जाए तो बेरोजगारी, आज बेरोजगारी फैली हुई है जी। युवा घर के अंदर रहता नहीं, घर में रहता है तो उनको 4 बातें माँ बाप की सुनना पड़ता है कि कुछ कर, बाहर जाए तो काम नहीं मिल रहा है जी, कहीं चाय की टपरी पे और बाहर बैठे रहते हो, मतलब समय बेमतलब उनका जा रहा है। बेरोजगारी के ऊपर मैं 4 लाइन से आपको सारी कथा उनकी भी बेरोजगारों की कथा ही सुना देता हूँ। एक वह भी आदमी है जिसको काम की तलाश, आत्महत्या करने बैठे हो गया इतना निराश, पी रहा अपमान आंसू, खा रहा गाली कहीं, हर जगह उत्तर यही, कोई जगह खाली नहीं। ये स्थिति है सामान्य परिस्थिति में। अब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको भी कोई नौकरी मिल रही है ऐसी बात नहीं है, सर्टिफिकेट लिखे हजारों युवा घूम रहे हैं जी। अब ये अग्निवीर जैसी योजना सरकार ने लाई है, 3-4 साल के बाद में फिर बेरोजगार, क्या करेगा ऐसा युवा? तो ये स्थिति है कुल मिला के। तो राजनीति में इतना जबरदस्त परिवर्तन आया हुआ है जी।
कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति जमीन आसमान का फर्क है, मुद्दों से भटका रहे या भटके हुए, कौन भटका है ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी तो चुनाव हो चुके हैं 2024 के, और जिसकी भी सरकार आए तो मेरा तो ये एक सूचना है कि कम से कम जनता की समस्याओं को लेके, उनके मुद्दों को लेके आगे की राजनीति हो, राजनीति में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है जी। आज लगे हैं इस देश को जाने कितने रोग जी, आज लगे हैं इस देश को जाने कितने रोग, खेल रहे हैं आज से कुर्सीवादी लोग, तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है जी। बिल्कुल पांडे जी, कुंडपत तुनवर जी, फिर से मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। इस बार आपकी बार 400 पार, क्या लगता है आपको, यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो कितनी सीटें भाजपा की पूरे देश भर से आ सकती है? अगर मेरा अनुमान ऐसा है जी, सबसे पहले बात ऐसी कि क्या मोदी गवर्नमेंट बनने जा रहा है जी, मैं बोलूँगा हाँ बनने जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि कैसा बनेगा, मेरा सीधा सीधा सा जवाब है जी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी जी, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत जाएगी जी। राष्ट्रपति महोदया उन्हीं की पार्टी की है जी, मोदी साहब बोलेंगे उसको वैसा करना है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी नहीं जी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तत्व लगाते हुए मैडम द्वारा मोदी साहब को न्योता दिया जाएगा, दिया जा सकता है जी, इस चांसेस ज्यादा है जी। और आज तक क्या वैसा रहा भी है, तुम 1979 में चले जाओ जब चरण सिंह को बनाना है या जगजीवन राम को बनाना है जी, राष्ट्रपति तत्कालीन संजीव रेड्डी थे उनके सामने भी यही सवाल था जी, क्या जगजीवन राम बाबू को बनाना है नहीं बनाना है सवाल था जी। उसके बाद 1997 का सवाल आता है, 96 का आता है, देवगढ़ साहब बन गए, गुजराल साहब बन गए जी। उस वक्त भी राष्ट्रपति पद की परीक्षा थी जी, हुई थी, और उन्होंने जो डिसीजन लेके रखे है वो अभी आज काम में लाया जा सकते हैं जी। मेजॉरिटी सिंगल जी, महाराष्ट्र में आपने देखा है भगत सिंह कोश्यारी साहब महामहिम थे हमारे तरफ जी, महाराष्ट्र में जी, सुबह 5 बजे शपथ विधि किनको दिया जा रहा है, मेजॉरिटी जिनके पास नहीं उनको दिया जा रहा है जी। और टाइम दिया जाता है कि साहब आप 15 दिन में फ्लोर पे टेस्ट करो, यानी 15 दिन जितने भी खरीद फरोख्त हो सकती है खोके बांटना है बांट डालो जुट जाओ जी। मोदी साहब को भी वैसा टाइम मिल सकता है जी, इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी अगर 230 तक अड़ जाती है जी, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए खुद के भरोसे 272 की जरूरत है जी, लेकिन 30 सीट भी कम अगर बीजेपी को काम आती है जी, तो जो गठबंधन का सरकार आएगा वो गठबंधन में शामिल बाकी की जो पार्टियां है उनका प्रेशर मोदी के ऊपर आएगा जी। यानी मोदी आज 10 साल तक जो डकारते रहे वो गठबंधन सरकार ने उतने चिल्लाएंगे नहीं जी। तो क्या जो अभी खंड खंड में जो विभाजित पार्टी थी अब एक दल बन गए हैं, इंडिया गठबंधन बना है, इसका कोई असर मोदी जी पर नहीं पड़ने वाला, ऐसा कहना है आपका? नहीं, मोदी जी तो आएंगे ही, सवाल ही नहीं आता जी। उल्टा हो सकता है इंडिया में फूट हो सकती है जी, खोके अगर बांटने की तो वो नौबत आएगी तो इंडिया में फूट जाएगी जी, संभावना है जी। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स जैसा अजय भाई ने बताया कि भाई कोई लॉयलिटी नहीं है, कुछ नहीं है जी। और आज का अगर चुनाव का विश्लेषण करना है कि परिणाम कारक या प्रभावी घटक फैक्टर्स कौन से रहे हैं जी, मैं तो सोचता हूँ भाई जैसा इन्होंने बताया जी कि जॉब नहीं किसी के पास, कौन चिल्लाएगा तो मर जाएगा, जेल में जाके सड़ेगा जी, अर्बन नक्सलाइट करके उसको अंदर डाला जाएगा जी, ये भय है जी। दूसरा है भजन, भजन माने मंदिर जी,
और तीसरा है भोजन, फ्री राशन। ये तीनों फैक्टर जो है, भय, भजन और भोजन, ये तीनों फैक्टर से बीजेपी सत्ता में आएगी जी। बिल्कुल कुंभतुनवार जी, क्या कहना चाहोगे, यदि बीजेपी की अप्रत्याशित जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा या कार्यकर्ताओं की मेहनत? नहीं, ये चेहरा सिर्फ बीजेपी का, मोदी का ही चेहरा जी। वो कुछ भी करे, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई इस आदमी ने हमको, हम भजन करने के लिए मंदिर बना दिया जी, और भूखे न रहे इसलिए 5 किलो अनाज दे रहा है जी। भूखे पेट से भजन नहीं होता है, भूखे पेट से भजन होता है जी। भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था है जी। खाओ और प्रभु के गुण गाओ और हमको वोट देते रहो जी। तो ये अरेंजमेंट मोदी ने कर दी है, इसलिए सामान्य आदमी उसके साथ है जी। बिल्कुल पांडे जी, क्या लगता है, महाराष्ट्र की 48 सीटों की यदि बात करें तो किस तरीके के नतीजे यहाँ सामने आ सकते हैं, और खासतौर पर विदर्भ की 10 सीट, क्या लगता है? विदर्भ एक जमाने में तो कांग्रेस का गढ़ रहा है जी। मतलब ऐसा भी हुआ है कि पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस ने ली है जी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो घुसपैठ हुई है धीरे से भाजपा की जी, अब भाजपा ने बहुत से लोकसभा क्षेत्रों में अपना अच्छी अपनी पैठ जमा ली है जी। अब ये गठबंधन, अब जो चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव हो चुके हैं, इसका रिजल्ट वो, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस गठबंधन के ज़्यादा नहीं तो 4 या 3-4 सीटें आ सकती है जी, और बीजेपी का फिर भी वर्चस्व बना रहेगा, यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है, ऐसा भारी भारी रहेगा जी। एक अपनी अंदेशा जी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो नतीजे, जो महाराष्ट्र की 48 सीट है, ये तो विदर्भ की बात हुई, 48 सीटों को किस तरीके से देखते हैं आप, जो ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है उसको, वो कुल, यानी कुल मिलाकर वही जो है एग्जिट पोल, उसी के नतीजे हमें सामने देखने मिलेंगे या कुछ अलग चौंकाने वाले? एग्जिट पोल की अपनी पूरी उस विषय, उस पर बात हो चुकी है जी। एग्जिट पोल सही होंगे ये नहीं है, ये एग्जिट पोल एक प्रकार से खेल रही है जी, जो शेयर बाजार से भी संबंधित है, सट्टा बाजार से संबंधित है, तो किसको ऊपर उठाना, किसको नीचे करना, ये 4 दिन का खेल चलता है। इसके बाद में जैसा रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद में एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं है, तो ये 3-4 दिन का ही खेल है। अब इसके अंदर में एग्जिट पोल में जो बताई गई है उतनी सीटें आएंगी, इसका कोई पक्का बता नहीं सकते कि आएगी ही, लेकिन जहाँ तक सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण और जो कुंभतुनवार जी ने जिस टाइप से बताया, उसे लगता है कि वर्चस्व बीजेपी का रह सकता है, पक्का नहीं रह सकता है। बिल्कुल, कल जो नतीजे आने वाले हैं उस पर हर किसी की निगाहें टिकी है। वापस कुंभतुनवार जी आपके तरफ मैं आता हूँ, क्या लगता है महाराष्ट्र की खास 48 सीटों को किस तरीके से आप देखते हैं, यदि खास तौर पे विदर्भ की बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या लगता है आपको, किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? हाँ, विदर्भ की बात कर रहे हैं, विदर्भ के बारे में पूछ रहे, तो मैं भी तो विदर्भवादी हूँ जी। अजय भाई भी विदर्भवादी, आप भी विदर्भवादी हो जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम विदर्भ की मीटिंग्स लेते थे तो उसमें हम बोलते भी थे जी। आईबी ने भी पहले रिपोर्ट भेज चुके हैं जी कि विदर्भ से बीजेपी 50% माइनस जा रही है जी, यानी 10 में से 5 बीजेपी के आने के चांसेस है, 5 बीजेपी गवा देगी जी। क्योंकि अब उस वक्त 9-10 में से 1 ही सिर्फ धानोरकर चंद्रपुर की सीट छोड़े जी, तो बाकी सब जगह बीजेपी थी या शिवसेना थी जी, कंबाइन थे। अब इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कम से कम 4 जगह आ सकती है जी विदर्भ में जी, जो चांसेस दिख रहे मुझे वो, उसमें आएगा गढ़चिरौली जी, एंटी इनकम्बेंसी गढ़चिरौली में बहुत भारी पैमाने पर है, हालांकि वो पूरा पट्टा या चुनाव क्षेत्र पूरी तरह से एसटी है जी, इसलिए वो वहाँ पर सिर्फ एसटी के से दूसरे कास्ट का उम्मीदवार आ नहीं सकता जी। और कुनबी बेल्ट वहाँ पर ज़्यादा है, नहीं ऐसा नहीं, कुनबी बेल्ट है उसमें जी। और गढ़चिरौली का जो रचना है मतदार संघ की, चुनाव क्षेत्र की, उसमें जो 6 मतदार चुनाव क्षेत्र है उसमें से चंद्रपुर जिले से चिमूर आता है,
ब्रह्मपुरी आता है, दो चिमुरी चंद्रपुर जिले से, दो भंडारे जिले से आते हैं जी। मैं भंडारे जिले से एक आता है जी, लखनदुर वाला जो पट्टाइश, और तीन जो चुनाव क्षेत्र आते हैं वो गढ़चिरौली जिले से आते हैं, यानी छह विधानसभा मानी एक लोकसभा जी। अब इसमें होता है ऐसा है कि गढ़चिरौली, आज तक जब हम बच्चे लोग थे हमको कुछ समझ में नहीं आता था, कॉलेज में पढ़ते थे तब तक तो ठीक था कि मौसम महादेवराव शिवनकर चिमूर से खड़े, पता ही नहीं चलता था महादेवराव शिवनकर है कौन, कहाँ से आए। महादेवराव शिवनकर तो गोरेगांव जिला, अभी गोंदिया, वहाँ से वो आते थे चंद्रपुर जिले में, ब्रह्मपुरी सिंधे भाई नवरगांव की तरफ, तो हम सोचते थे भाई कहाँ का आदमी कहाँ से जी। तभी ये जो इस वक्त जो दोनों कैंडिडेट जो है जी। तो मैं तो कहूँ तीन कैंडिडेट जी। एक कैंडिडेट है महाविकास वाला, दूसरा कैंडिडेट है महायुति वाला जी। महायुति का कैंडिडेट तो खासदार है, सिटिंग खासदार है जी, एमपी है नीतीश, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने जो दिया वो बहुत नया चेहरा है डॉक्टर किसान, वो भी प्रॉपर गढ़चिरौली का आर्मोरी गढ़चिरौली का बिल्ड का है, ये दोनों भी उस एरिया से आते हैं। और तीसरा जो चेहरा वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिया है वो है डॉक्टर हेमंत करके कोई है, ठीक है, हेमंत श्याम ऐसा कुछ है। अब इसमें दिक्कत कैसी आती है कि तीनों भी आदिवासी है और आदिवासी वोट तीनों में डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो बल्क वाला कुनबी पट्टा जो है वो किसको वोट करेगा जी, उसके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है। इसके पहले तो ठीक था, लेकिन यानी 19 के चुनाव में भी ठीक था कि वो कुनबी पट्टा उनको कुछ मिला था, इस वक्त मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है, शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है, क्या लगता है इसका जो फायदा है वो महायुति को मिलेगा या महाविकास आघाड़ी को मिलेगा? विकास आघाड़ी को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के पास गंवाने लायक कुछ भी नहीं है जी, जो गंवाना था वो 5 साल पहले गंवा चुके हैं जी, तो इसीलिए जो होगा अभी वो कमाई है उनकी जी, नफे का धंधा है उनके लिए जी, प्रॉफिट का बिजनेस है अभी जी, जितने भी बढ़ेंगे वो सरप्लस है जी। जहाँ विदर्भ में 19 में एक ही था, अगर इस वक्त 4 आते तो 3 तो बढ़ गए, 300 गुना पार्टी बढ़ गई जी। तो क्या ये जो नतीजे है महाराष्ट्र की 48 सीटों की, ये 50-50% है या किस तरीके नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, ये छोड़िए क्या सर्वे क्या बताते हैं जी, आघाड़ी आगे जाएगी जी, आघाड़ी आगे जाएगी जी, युति पीछे आएगी जी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसा अभी रामटेक में हमारे तुम्हारे साहब को साइड में करके तुमने राजू पारवे को खड़ा कर दिया जी, और राजू पारवे किसका आदमी है, शिंदे सेना का जी, तो शिंदे सेना का कितना रोल क्या है नागपुर में, नागपुर जिले में क्या वजूद है, जो उद्योग की पैठ है, जो उद्योग के पास है ताकत, वो ताकत शिंदे के पास नहीं है ना जी। तो इसलिए बढ़ेगी तो शिवसेना, लेकिन कौन सी उद्योग की, बुलढाणा में भी वही चित्र है, उद्योग उधर पावरफुल है जी। लोग उद्योग का चेहरा जानते हैं, शिंदे का चेहरा नहीं जानते जी। वो भले ही सीएम रहे जी, तो बेनिफिट उद्योग का है, और उद्योग के साथ अन्याय हुआ है ये भी तो एक दूसरी बात है जो लोगों के जहन में है जी, कि भाई तुमने उसको आधी रात को उसको तुमने गला रेत डाला और सत्ता का हत्या ली जी, ये भी एक जो चांस है उद्योग को ऊपर आने के लिए जी। और कांग्रेस ने इस वक्त सही गेम खेला है जी, कांग्रेस की स्ट्रेटजी जो मैं समझता हूँ वो मुझे जो साफ साफ दिख रही है, अजय भाई ने बिल्कुल सही किया कि 10 साल पहले कांग्रेस खुद के बलबूते पर 540, 542, 543 जगह लड़ती थी जी। इस वक्त कांग्रेस कितनी जगह लड़ रही देखिए आप, 330, यानी 215 जगह तो कांग्रेस ने छोड़ दी दूसरों के लिए जी। पहले ही
मजबूत कैंडिडेट। तो यदि यदि हम लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो यानी कुल मिलाकर पूरे देश भर की यदि हम बात करें क्या स्थिति, और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या लगता है देश की क्या स्थिति होगी? इंडिया गठबंधन आखिर सर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है नहीं बनती है ये तो 4 तारीख या 5 तारीख की सुबह पता चलेगा जी, क्योंकि काउंटिंग आखिरी का जो होता है आखिरी वोट तक बता नहीं सकते कि कौन जीतने वाला है जी। इसलिए कि कई जगह हमने देखे हैं कुछ रिजल्ट 45 वोटों से भी एमपी चुन के आते हैं जी, 60 वोटों से भी चुन के आते हैं, 12 लाख वोट में 60 वोट बोले तो दरिया में खसखस जी, खसखस से लेकिन फिर भी आते हैं जी। तो जब तक आखिरी का राउंड होता नहीं जी, अगर पहले 10-12 राउंड में अगर मिल गया चांस बढ़त मिल गई ना टूटने वाली तो समझ लेना चुन के आ गया, लेकिन 15वें राउंड में 16वें राउंड में चल ही रहा है और पता चला कि 5-10 हज़ार आगे पीछे चल रही तो समझ लेने की ये टफ फाइट है जी। बिल्कुल, भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी, तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई चुनौतियों का सामना किया, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्यौहार के रूप में मनाती है। अब हर किसी की निगाह कल होने वाली मतगणना पर है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल कितना गलत कितना सही, इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।